उनका करम है, सैयद अहमद कबीर का करम है जो जिसम को एक छोट भी नहीं होती। हाँ, सैयद अहमद कबीर मासूक अल्लाह रफाई इराक के नाम से उनके एक समय ये बच्चे लोग सब खेलते हैं, उनके मुरीद हैं। हम लोग पूना से ही आते, हर साल आते इधर, हर साल इधर आते भाई, इस तरह से खेल दिखाते बाबा। राती में रफाई होती इस साल, हर साल इधर। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं दोस्तों मुंह से किस तरह से खून निकल रहा है, और आप देख सकते हैं तलवार में भी खून लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल आबेग हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूं अजमेर शरीफ में, और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। और आज का हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। दोस्तों आप ये जगह देख रहे हैं, दोस्तों ये जगह अंदर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदर कोर्ट में, और ये जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में पैदल आते हैं, और ये लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग रुके हुए हैं, और इस तरफ भी काफ़ी लोग रुके हुए हैं। दोस्तों ये मस्तान मलंग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पैदल आते हैं, और ये लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कोई दिल्ली से है, कोई पूना से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई बंगाल से है, कोई बम्बई से है। काफ़ी दूर दूर से ये लोग पैदल आते हैं। आप आगे भी देख सकते हैं, आगे भी काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। ये आप देखें, काफ़ी लोग इस तरफ भी रुके हुए हैं, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ जी, और सरकार गरीब नवाज में हर साल ही आता हूँ जी, छड़ियाँ लेके आता हूँ, लोगों की एक दूसरे की मदद करते सपोर्ट करते दिल्ली से। जब चलते हैं से करीमुल्ला साहब से मटका साहब पीर होते हुए महबूब निज़ामुद्दीन औलिया के बेहदर पे, माई साहब के दर पे, करीम नवाज के पास जो है ना ख्वाजा कुतुब होते हुए पहुंचते हैं, और बड़ा अच्छा सफ़र कटता है, कोई परेशानी नहीं है। करीम नवाज इतना नवाजते हैं कि जितने लोग जो है ना पैदल चलते हैं, इतने बड़े बड़े छाले पैरों में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनको ना दर्द होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है, और चलते रहते ख्वाजा पिया की मोहब्बत में। माशाल्लाह, ये आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक काफिले वाले रुके हैं, और आगे की तरफ भी काफ़ी लोग रुके हुए हैं, और इस तरफ का भी आप मंजर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम हजरत, आप लोग कहाँ से? जी हुजूर मैं अहमदाबाद समझे समझे गुजरात से, समझे जमील नाजा कव्वाल, सरकार गरीब नवाज में हाजिरी देने के लिए आया हूँ मैं। हमारे सूफी संत जितने भी हुजूर गरीब नवाज के चाहने वाले आए हुए हैं यहाँ, सूफी संत लोगों की आज चादर है, हमारे समझे मासूम अली सरकार की चादर है, अभी 4 बजे उसमें समझे कलाम समझे पेश करूँगा मैं, और मैं वाकई में खुश नसीब हूँ जो ऐसे लोगों की मैं वो समझे चादर पेश कर रहा हूँ, और इतने बड़े आस्थाने में मुझे हाजिरी का मौका मिल रहा है। हिंदल वली अताए रसूल जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, हम इनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामों के ग़ुलाम हम, वाकई में खुश नसीब है। और मेरी समझ पार्टी भी आई हुई है जमील नाजा, हम कल समझे 9 का कुल करके निकल जाएंगे हम लोग। तमाम जायरों से मेरी गुजारिश है, मेरे हक में जरा समझे दुआओं में जरा मुझे याद रखना, शुक्रिया करम नवाजी। ये पानीपत दरबार कलंदर की तरफ से ये दरबार ख्वाजा ख्वाजगान में जो चादर पेश की जा रही है, बड़े धूमधाम से ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज में जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप मंजर देख सकते हैं अंदर कोर्ट का। अभी हम इस पर
वक्त मौजूद है अंदर कोर्ट में। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये अंदर कोर्ट का मंजर है। दोस्तों अभी हम ढाई दिन के झोपड़े के करीब में आ गए हैं। ये है दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह अंदर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और आप मंजर देख सकते हैं अंदर कोर्ट का। अभी हम इस वक्त अंदर कोर्ट में हैं, ये जगह अंदर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू आदा व शरीका लहू अब्दुर रसूलु। अल्लाह दीन ईमान की खैर करे, दोनों जहाँ की खैर करे, और ख्वाजा साहब सभी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे और दुआएं मकबूल अता फरमावे। हजरत आप लोग कहाँ से? पूना साबरी काफिला। ये बच्चे हमारे सब पूना से आए हुए हैं। आज हुजूर करीम नवाज में विदाई की चादर हम लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कल को खुल करके इंशाल्लाह रहमान अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये पूना साबरी का अफला है, और सरकार गरीब नवाज में चादर पेश करके दुआ खैर करेंगे। भारत में कौमी एकता बनी रहे, इखलास मोहब्बत बनी रहे, और दुआ करते हैं मौला सबको सलामत रखे और खूब नमाजे। जी हम जो है चांद की 29 तारीख को कलियर से काफिला लेके पहुंचे थे, और झंडा पेश हो गया, चादर भी पेश कर चुके। ये चादर जो है रसम की है, विदाई की चादर है, क्योंकि बच्चे लोग कल इंशाल्लाह रहमान नौका फुल करके जिसकी गाड़ी जो टाइम पे होगी चले जाएंगे। कुछ हमारे साथ में कानपुर से आए हैं, देखो रिजवाना है, और उनके साथ में उनकी गुरु बहने हैं, और यहाँ आई और सरकार में चादर में भी जा रही हैं। और इनके ग्रुप वालों को भी मौला सलामत रखे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और गरीब नवाज का लाख लाख शुक्र है, ख्वाजा शरा गरीब नवाज पे इनकी चश्मे इनायत है, और गरीब नवाज इनकी दुआओं को हमेशा कबूल करते रहे, और इनकी तमन्नाएं मुरादें पूरी करते रहे। इनके घर में बहन भाइयों को सबको मौला से दे तंदुरुस्ती अता फरमाए, गुरु गोसाइयों को से दे तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआ करता हूँ मैं मौला हुसैन के सदके से। जी कलियर शरीफ से हम लोग 20 दिसंबर को छड़ी लेके पैदल निकले थे। हुजूर गरीब नवाज आताए रसूल आताए नूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देते हुए सरकार में 12 जनवरी को परचम पेश करे, और परचम पेश कर रजब की 3 तारीख को चादर पेश करी, और आज 8 तारीख को विदाई की चादर ख्वाजा के सदके में पेश हो रही है। ये जलाली गिरोह का है, इनका नाम है मस्त अली शाह जलाली, पूरा बादल की टीम से है। ये है बहादुर अली शाह के बाल गोपाल है। जलाली गिरोह के जितने भी बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, कोई जो है चिश्तिया सिलसिले से वैध है, कोई रफाई सिलसिले से वैध है, कोई बांडवा सिलसिले से वैध है। ये ग्रुप जो है कहीं भी दरबार में संदल उरुस होता है तो चादर में जाते हैं, और कलाम गागा के दरे साहिब मदार पर तक चादर लेके जाते हैं। ये बच्चों की यही ड्यूटी सब है, और ख्वाजा का करम रहे और चश्मे इनायत इन पे बनी रहे। हम लोग कानपुर से हैं, यूपी से। कानपुर से जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर आते हैं, हर साल जरूर आते हैं। सरकार में गरीब नवाज करम है।
और जितने भी जायरीन आए अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी झोलियां भरे, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी करे। गरीब नवाज से यही दुआ करते हैं, घर परिवार में सब अच्छे रहे, सबके भाई बहन सब अच्छे रहे, और आपको भी अल्लाह सलामत रखे, गरीब नवाज अपनी पनाह में रखे, आने वाली बीमारी आने वाली बाबा से बचाए। और ये हमारे भाई पूना से साइकिल में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कितने दिन में पूना से? मैं पूना से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, मुझे टोटल 50 दिन लगे। 50 दिन? हाँ। तो हमारे भाई जो मस्तान मलंग हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से पैदल अजमेर शरीफ आते हैं, उनके साथ में ये हमारे भाई आए हैं। ये पूना से पहले दिल्ली आए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में, और फिर जो काफले वाले हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से पैदल अजमेर शरीफ आते हैं, उन काफले वालों के साथ में ये हमारे भाई अजमेर शरीफ में आए हैं। और ये आप मंजर देख सकते हैं अजमेर शरीफ का, बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता निज़ाम गेट की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के 10 नंबर गेट की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। हम पूना से भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दादा पीर दरगाह पूना खुर्शीद कॉम्प्लेक्स नाना पेट। हर साल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के उर्स में आते हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, दादा पीर दरगाह। जी जी, तो आप जो इस तरह से अपने आप को मान रहे हैं, क्या आपको चोट नहीं लग रहा? नहीं, ये उनका करम है, सैयद अहमद कबीर का करम है, जो जिस्म को एक चोट भी नहीं होती उनका कारण में आशिक आने ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अली की बारगाह में आए हैं। सरकार हुजूर करीम नवाज रहमतुल्लाह अली की बारगाह के वसीले से ले सैयद अहमद कबीर माशिक लफाई इनकी वसीले से हम ये काम करते हैं। हम कादरी है, कादरी अल रफाई। आप देख सकते हैं भाई के जिस्म में काफ़ी सारे निशान हैं।
ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सरिया आर पार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सरिया जिस्म के आर पार हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सरकार हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये एक नंबर गेट है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता ढाई दिन के झोपड़े की तरफ से ये रास्ता आ रहा है। अभी हम दरगाह बाजार में आ गए हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये जगह दरगाह बाजार के नाम से जाना जाता है। ये जगह दरगाह बाजार है और ये आप मंजर देख सकते हैं दरगाह बाजार का। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मदार गेट और अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की तरफ ये रास्ता जा रहा है और आना सागर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और ये आप दरगाह बाजार का मंजर देख सकते हैं। जितने भी लोग चादर लेकर के आ रहे हैं, वो तमाम लोग दरगाह बाजार पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आप दरगाह बाजार का मंजर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह दरगाह बाजार के नाम से जाना जाता है। ये दरगाह बाजार है और सरकार हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप मंजर देख सकते हैं दोस्तों, दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। आप मंजर देख सकते हैं दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। ये आप देख सकते हैं। ये जो आप मंजर देख रहे हैं दोस्तों, ये उरस का मंजर है। क्या आप देख सकते हैं, जुबान से खून निकल रहा है, तलवार में खून लग चुका है।
जुबान से किस तरह से खून निकल रहा है। तलवार में किस तरह खून लग चुका है, ये देखे आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, आप कौन से? पूना दादा पीर दरगाह। नहीं भाई, ये सैयद अहमद कबीर रफाई गए। जी जी, क्या देख सकते हैं इनकी जुबान कट गई है, ये देखे आप मुंह से किस तरह से खून निकल रहा है। देख सकते हैं आप मुंह से किस तरह से खून निकल रहा है। हाँ, सैयद अहमद कबीर मासूक अल्लाह रफाई इराक के नाम थे उनके, एक समय ये बच्चे लोग सब खेलते हैं, उनके मुरीद हैं। पूना खुर्शीद कम्प्लेक्स, पूना मानकर फकीर मंडल। आप लोग वहीं से आए? हम लोग पूना से ही आते, हर साल आते इधर, हर साल इधर आते हैं। इस तरह से खेल दिखाते बाबा, रातिवे रफाई होती है इस साल, हर साल इधर। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं दोस्तों मुंह से किस तरह से खून निकल रहा है, और आप देख सकते हैं तलवार में भी खून लग रहा है। और ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है, ये आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप मंजर देख सकते हैं, दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। और इंशाल्लाह अभी हम हजरत की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए सरकार हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के एक नंबर गेट से हम जाएंगे। दोस्तों अभी हम दरगाह शरीफ में जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में आ गए हैं, और ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंजर है। हक मोईन, या मोईन, हक मोईन, या मोईन, हक मोईन,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक मोईन। ये आप दरगाह शरीफ का मंजर देख सकते हैं और ये है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ है सरकार हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमूल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का दो नंबर गेट इस तरफ है। और इस तरफ है अकबरी मस्जिद। और अभी हम बुलंद दरवाजे के बिल्कुल ही करीब में है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये बुलंद दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप मंजर देख सकते हैं दरगाह शरीफ का। और ये है दोस्तों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ये चिल्ला मुबारक है। और ये शाहजानी मस्जिद है। ये है दोस्तों शाहजानी मस्जिद। और आप ये जो गेट देख रहे हैं इस गेट से ज़ायरीन आस्थाना मुबारक में जाते हैं। और अभी हम इंशाल्लाह इस तरफ जाएंगे और इस तरफ का क्या मंजर है हम आपको दिखाएंगे। ये आप शाहजानी मस्जिद के बिल्कुल ही करीब का मंजर देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ का क्या मंजर है हम आपको दिखाएंगे। चलो आरी अम्मी चलो। दोस्तों मैंने आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमूल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज 8 रजबुल मुरजब है। आज का हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।